हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने 30 फीट बाई 21 फीट प्लॉट के ऊपर 3 BHK क्रिएट की है और ये प्लान वेस्ट फेसिंग है, यानी पश्चिम दिशा में आपका रोड रहेगा। और इस ड्राइंग को मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं इस ड्राइंग को। इस ड्राइंग में आपका एंट्रेंस ऐसे होगा। इस डोर का साइज़ रहेगा 4 फीट। इस डोर से अंदर आते ही आपको ड्राइंग रूम मिलेगा। इस ड्राइंग रूम का साइज़ है 8 फीट 10 इंच बाई 10 फीट 4 इंच। अगर आप इस डायरेक्शन में देखें तो इस डायरेक्शन में 14 फीट 2 इंच है। इस ड्राइंग रूम के बाई तरफ मैंने सीटिंग एरिया दिए जो 3 यूज़र है, और दाहिने तरफ है आपका स्टेयरकेस। और इस ड्राइंग रूम में यहाँ पर मैंने एक विंडो दिए जो 2 फीट का रहेगा। अब देखेंगे आपका फर्स्ट बेडरूम। आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर इस सीटिंग एरिया के पास यहाँ पर मिलेगा। इस डोर का साइज़ रहेगा 3 फीट और बेडरूम का साइज़ है 10 फीट 4 इंच बाई 10 फीट 4 इंच। इस बेडरूम में मैंने 2 विंडो दिए। ये विंडो आपका 4 फीट का होगा और ये विंडो आपका 5 फीट का। और इस बेडरूम में आपका बेड पूर्व दिशा में है और बेडरूम का डोर दक्षिण दिशा में। अब इस बेडरूम से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका सेकेंड बेडरूम। आपका सेकेंड बेडरूम इस बेडरूम के पास मिलेगा। इस डोर का साइज़ रहेगा 3 फीट और बेडरूम का साइज़ है 10 फीट 4 इंच बाई 9 फीट 5 इंच। इस बेडरूम में मैंने 2 विंडो दिए। ये दोनों विंडो ही 5 फीट का होगा। और इस बेडरूम में भी आपका बेड पूर्व दिशा में है और बेडरूम का डोर दक्षिण दिशा में। अभी इस बेडरूम से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। आपका थर्ड बेडरूम का डोर यहाँ पर मिलेगा। इस डोर का साइज़ रहेगा 3 फीट और बेडरूम का साइज़ है 10 फीट 10 इंच बाई 9 फीट 5 इंच। इस बेडरूम में मैंने 2 विंडो दिए और ये दोनों विंडो ही 5 फीट का होगा। और इस बेडरूम में आपका बेड पूर्व दिशा में है और बेडरूम का डोर पश्चिम दिशा में। अभी इस बेडरूम से बाहर आते हैं। इस बेडरूम से बाहर आते ही बाई तरफ आपको कॉमन टॉयलेट का डोर मिलेगा। इस डोर का साइज़ रहेगा 2.5 फीट और टॉयलेट का साइज़ है 7 फीट बाई 3 फीट 7 इंच। इस टॉयलेट में मैंने एक वेंटिलेटर दिए जो 2 फीट का रहेगा। अभी इस टॉयलेट से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका किचन। आपका किचन यहाँ पर मिलेगा। इस किचन का साइज़ है 7 फीट 2 इंच बाई 5 फीट 7 इंच। इस किचन में आपका ओवन पूर्व दिशा में रहेगा और बेसिन यहाँ पर। और ये है आपका किचन का वर्किंग एरिया। इस किचन के पास ही मैंने यहाँ पर डाइनिंग एरिया दिए। अगर आप इस डाइनिंग एरिया को ऐसे सेटिंग करेंगे तो 4 यूज़र हो जाएगा। अब देखेंगे आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का साइज़ है 9 फीट 7 इंच बाई 6 फीट 4 इंच। 9 फीट 7 इंच आपका यह से लेकर यह तक होगा। आपका स्टेयरकेस का आप यह से होगा। और ये पहला राइजर आपका यह से 4 फीट 10 इंच की दूरी पर स्टार्ट होगा। इस लाइन में आपका 9 राइजर है और इस लाइन में भी 9 राइजर और यहाँ पर 2 राइजर। टोटल आपका 20 राइजर है। यानी आपका घर का हाइट होगा इस फर्श से लेकर छत के टॉप लेवल तक 10 फीट। और आपका स्टेयर का चौड़ाई रहेगा 3 फीट और इस लैंडिंग का भी चौड़ाई रहेगा 3 फीट। अब देखेंगे इस ड्राइंग के सभी डायमेंशन। यहाँ पर मैंने इस ड्राइंग के सभी डायमेंशन दे दिए, आप देख सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।